हेलो एवरीवन, इट्स जीबी हियर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो, और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को डेमीगॉड मिस नैनसा को दिखाए जाते, जो कि अभी उसी शॉर्ट सर्किट के बंदे से कह रहा था कि मैंने ना कुछ दिन पहले एक शॉर्ट सर्किट के बंदी के साथ यहाँ पे फाइट किया था, लेकिन वो बंदी ना एकदम एवरेज निकली। मुझे तो नहीं पता था कि जिंटियन कॉन्टिनेंट के बंदे ना इतने कमजोर रहते। मैंने तो सोचा था ये बंदे लोग बहुत ही पावरफुल निकलेंगे, इतने बड़े बड़े बात जो सुन रहा था तुम लोगों के बारे में। लेकिन उसी बंदी को ना मैंने एक ही झटके के साथ हरा दिया, और अभी ये वाले बात सुनने के बाद ना वो शॉर्ट कल्टिवेटर बहुत गुस्सा हो जाता है, और गुस्से के साथ कहता है, क्या तुमने मेरे यंगर सिस्टर को यहाँ पे क्या कहा? एवरेज, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सिस्टर के बारे में ऐसा वैसा कहने की? और ये बात कहते ही ना वो बंदा हम लोग निंसा के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर देते। लेकिन इससे तो हम लोग निंसा ना बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेते, और कहते वैसे भी तुम भी ना बहुत ही कमजोर हो। यहाँ पे मिस नैनसा ना अपने एक बहुत ही पावरफुल मूव का यूज करती है, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ही डरा अपना डिमोनिक गेट आ गया था, और जिसके अंदर से सच्ची का यहाँ पे घोस्टली स्प्रिट निकलता है, जो देखने के बाद वो बंदा कहता है, क्या इतने यहाँ पे घिनौना ट्रिक को तुम यूज करो? तुम्हें इतना भी शर्म नहीं आता है? और इसी के साथ जितने सब यहाँ पे डिमोनिक स्प्रिट था सबको काटने लगता है। लेकिन तभी ना एक डिमोनिक स्प्रिट उसके पैर को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो बंदा तो चौंक गया था, क्योंकि वो तो इतने देर सोच रहा था कि ये सब कुछ ना इल्यूजन था, लेकिन अभी ये सब कुछ पकड़ रहा है। ये देखने के बाद वो डर जाता है और पहले तो उसे काटने लगता है, लेकिन जब वो देखते हैं उसके काटने से बिना इन लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा, जो देखने के बाद तो वो बंदा अपने जो तलवा था उसे ही यहाँ पे छोड़ के बाहर चला जाता है। और तभी ना हम लोगों को जो यहाँ पे फ्लोटिंग गेट था उसे अच्छे से दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत सारे घोस्ट तैर रहे थे। तभी वो बंदा कहता है, चलो फाइनली मैं उस जगह से बाहर तो निकल गया। लेकिन ये देखने के बाद ना बहुत सारे बंदे हंसने लगते और कहते, देखो देखो मैंने ना पहले बार देखा शॉर्ट सेक्टर है कल्टीवेटर अपने जो शॉर्ट है उसे छोड़ के भाग रहा है। वैसे भी देखो तो ये बंदा कितना बेशर्म है, इसके तो मानो अभी जो कीचड़ है इसके मुंह में लेपना चाहिए। और ये वाला बात सुनते हैं ना वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो रहा था, जहाँ पर पीछे से तो बहुत सारे बंदे उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी वो बंदा कहता है, रुको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और उसी के साथ जो अपना शॉर्ट था उसे फिर से समन कर लेता है, और जिसे फिर से समन करने के बाद अपना जो पुराना वाला मूव था उसका यूज कर देता है, जो कि थोड़ी देर पहले ना बाकी सारे ड्रैगन टेमर के ऊपर उसने यूज किया था, जिसके चलते अभी उसका दो दो कॉपी यहाँ पे आ गया था, जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ कहता है, देखो तो ये बंदा कितने दिन प्रैक्टिस के बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक को बार बार किया जा रहा है। वैसे भी ये मूव ना बहुत ही फ्लैशी है, लेकिन इसके ना कुछ असर ही नहीं होगा। और तभी वो लड़का कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ लड़की, तुम हम लोग का क्लान का जो टेक्निक है उससे मेरे ऊपर यूज करो, ये याना और यंग जो प्रोटेक्शन शील्ड है ये तो मेरे सामने कुछ ही नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ जो शील्ड था उसे तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लड़की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हम लोग के सेट का जो फॉर्मेशन था उसे क्रिएट करने का? और तभी हम लोग जाओ साइड से कहते हैं, ओए बंदे तेरे अंदर अगर इतना सा भी दिमाग है तुझे अब तक ये तो पता चल ही चुका है ये लड़की अगर तेरे सेट का ये इस फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं तो बाकी सारे फॉर्मेशन को भी ना क्रिएट कर सकते हैं। तभी ये सुनने के बाद तो वो बंदा डर ही जाता है, लेकिन तभी उसके पैर के पास ना बहुत सारे रोशनी चमकता है, और इसी के साथ उसे पता चलता है जो शॉर्ट किलिंग फॉर्मेशन था उसे अभी इस लड़की ने ना एक्टिव कर दिया, जो देखने के बाद वो डर जाता है और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो एक बहुत ही हाई टायर का फॉर्मेशन है, इस लड़की के पास इतना नॉलेज कहाँ से आ सकता है? अभी अभी इसी फॉर्मेशन के चलते ना जमीन के अंदर से एक तलवार बाहर निकलता है, जो निकलने के बाद मीडियर में चले जाते हैं, जहाँ पर उसके आसपास ना बहुत सारे मिट्टी जगह कलेक्ट होने लगते हैं, और यहाँ पे सब मिट्टी मिलकर ना एक बहुत ही बड़ा ढेर बन जाता है, जो जाके डायरेक्ट उसी बंदे के सर के ऊपर चल जाता है। और तभी वो बंदा भी इस मिट्टी के ढेर को ना अपने दो हाथों के मदद से पकड़ने की कोशिश करता है, और किसी तरीके से तो वो यहाँ पे खड़ा था। और तभी वो बंदा कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हम लोग का एक सीक्रेट टेक्निक था। तभी यहाँ पे नैन कहते हैं, ओहो देखो तो तुम अभी से इतना थके जा रहे हो, वैसे भी अभी तो एक ही शॉट गया, अभी ये तो तुम ले लो। और इसी के साथ ना हम लोग बेचारे कल्टीवेटर की तरफ ना हर एक शॉट को फेंकते हैं, और जो डायरेक्ट जाके ना उसे हिट कर देता है, जो जाके दूर गिरे, और इसी के साथ ना वो खांसना स्टार्ट कर देता है, और सोच रहा था कि ये तो हम लोग का लेजेंडरी फोर शॉट टेक्निक है, लेकिन ये लड़की कैसे कर सकती है, ये तो कोई एल्डर भी करने में हिचकिचाता है। और तभी वो बंदा देखते हैं उसके तरफ ना और एक यानी कि थर्ड वाला जो शॉट था वो भी आना स्टार्ट हो गया था, और ये देखने के बाद वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ना जो शॉर्ट सेक्ट है उसका कोड डिसेबल हूँ, मैं क्या तुमसे ये छोटे मोटे टेक्निक से हार जाऊंगा? और तभी अपन नैन आगे आते हुए कहते, ओहो तो तुम इतू से हार नहीं मानोगे, वैसे भी अभी ना मेरे पास और एक शॉट है तो क्या इसे मैं भेजूँ? तभी वो बंदा ना बेहोश होने के पहले कहते, नहीं नहीं मैम मैं हार मानता हूँ, वैसे भी आप जीत ही चुके हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो शॉर्ट का डिबिल्टर ने अपने मास्टर से कह रहा था कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मेरे पास जो शॉर्ट सीट माउंटेन है ये हार चुके हैं। तभी उसका मास्टर को दिखाता है जिसका नाम था वो फेंग, जो कहता है, अरे बच्चे तुम यहाँ पे इतने उदास क्यों हो, वैसे भी तुम ना यहाँ पे
हम लोग जाओ मेलिंग के साथ फाइट करें। और वो बंदा इतना पावरफुल है कि उसके साथ फाइट करने के लिए ना मुझे भी 2-3 दफा सोचना पड़ता था। और तभी ना ये सुनने के बाद वो बंदा सोचता है कि मेरा मास्टर कितना अच्छा। तभी फिर आसमान की तरफ ना दो दो रोशनी को जाते हुए दिखाते हैं, पहले वाला तो रेड और दूसरा वाला यहाँ पे पर्पल था। तभी हम लोग को पता चलता है किसी ने ना नीचे से जो रेड और पर्पल टॉर्च था उसे जला चुका था। तभी ये देखने के बाद दोनों मास्टर और डिसाइपल ना चौंक जाते हैं क्योंकि ये रेड वाला ना सबसे हाई डिग्री का टोकन था। तभी वो बंदा कहता है अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ पर कि जामिंगलिंग था, वैसे भी जो पर्पल मिस्ट है वो तो मेरे वाले टॉर्च था लेकिन अभी मुझे लगता है उसके पास ना कोई हाई डिग्री का टोकन मिल चुका है। तभी अभी जो प्रोडक्टर ले थी हम लोग जाओ के सामने चले जाते और कहते हैं अरे जाओ मेरे बच्चे जैसा कि मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास कोई नया टोकन है तो मुझे तुम दे सकते हो, इस मैच के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन तभी जाओ कहते हैं अरे मिस मुझे माफ़ कर देना वैसे भी मेरे पास ना कोई टोकन वोकन नहीं है। लेकिन तभी वो मिस कहते क्या तुम्हारे पास टोकन है तो तुमने रेड जो लाइट है उसे जलाया क्यों। तभी उन लोगों जाओ कहते क्योंकि मेरे पीछे देखो कितने सारे बंदे हैं उन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही और मैं ना जल्दी उन लोगों के पास ही वो लेने वाला हूँ। तभी ये देखने के बाद ना वो प्रोडक्टर लेडी समझ जाती है कि यहाँ पे जो जाओ है ना सबके लिए यहाँ पे ट्रैप भी जाए, जिसके चलते सब बंदे तो अभी जाओ के पास थे जो उसका टोकन था वो छीनने के लिए आया लेकिन उल्टा जाओ ही उन लोगों को लूट लेगा। तभी जाओ बाकी सारे बंदे से कहते ओहो देखो तो यहाँ पे कितने सारे बंदे आ चुके, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आज तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो और आपने अपने जितने टोकन है ना उसे मेरे हवाले कर दो बनना, मुझे ना फोर्सफुली लेना पड़ेगा। तभी बाकी सारे बंदे कहते अरे हम लोग यहाँ पे तुम्हारे जो टोकन है उसे लेने के लिए आए लेकिन यहाँ पे तो देखो तुम ही हम लोग जो टोकन है उसे लेना चाहते हो। या ये ज़ूमिंगलिंग बंदा थोड़ा सा पागल पगल है। लेकिन तभी हम लोग मिंगलिंग ना अपने पास से अपने भाई की छोटू और ग्रीनी को निकालते हुए कहते हैं कि चलो उनसे बाहर आ जाओ और आके ना थोड़ा सा मस्ती करो। तो पहले तो ग्रीनी निकलते हैं जिसे देखने में ना सच्ची में बहुत ही डरावना लग रहा था, जिसके बाद आता है हम लोग का छोटू जो कि अभी एक फुल प्लेजर मुझे तो लग रहा था ये गॉडज़िला बन चुका है। और लास्ट आता है हम लोग का छोटू सा बाइकी जिसे देखने में सच्ची में प्यारे लग रहा था, जिन तीनों को अभी बाहर निकलने के बाद जाओ कहते हैं जाओ इन सब के साथ ना थोड़ा सा खेल के आओ। और यहीं पर ही हम लोग का नैन भी अपने जो डेमी गॉड पावर है उसका यूज़ करने लगती है, जिसके चलते उन लोगों के आसपास जो जगह था ना ऊपर उठ जाते हैं और वो लोग ना एक ट्रैप के अंदर फंस गए थे। और ये देखने के बाद अब आगे सारे बंदे चिल्लाने लगते और कहते हैं क्या ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये होना ना एकदम नामुमकिन जैसा लग रहा है। तभी ऊपर से वो प्रॉक्टर लेडी भी कहते हैं कि अभी ना ये बाकी सारे बंदे तो कहीं पे जा नहीं सकेंगे, मुझे तो लग रहा है ये लोग ना यहाँ पे फंस चुके हैं। और तभी यहाँ पे जो बंदे लोग फंस चुके थे ना उसी बंदों के बीच से एक बंदा कहता है तुम लोगों को क्या लगता है वैसे भी अगर हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं तो हम लोग आसानी के साथ यहाँ पे हार जाएंगे। और इसी के साथ ना एक टैलिस्मैन को हम लोग छोटे के ऊपर फेंकते हैं और कहते हैं हम लोग ना यहाँ पे टैलिस्मैन सीखते हैं और हम लोग जो टैलिस्मैन सीखते हैं बहुत ही पावरफुल है। और अभी अभी मैंने जो तुम्हारे ड्रैगन के ऊपर फेंका ना ये एक झटकू लाल टैलिस्मैन है जिसके अंदर बिजली का पावर है। और ये कहने के देरी था ऊपर से ना एक जोरदार बिजली आके हम लोग छोटे के ऊपर गिरते जिसके चलते यहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। तभी यहाँ पे जब धुआं हटता है ना हम लोग को पता चलता है छोटू तो यहाँ पे चारों खाना चीत हो चुका था, जो देने के बाद वो बंदे तो बहुत ही खुश होता है, कहता है कि देखो मैंने कहा था ना तुम्हारा काला ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे छोटू का पूछ को दिखाया था जो डायरेक्ट आके ना उस बंदे को हिट करते और जिसके चलते अभी उस बंदे का खेला हो जाता है खत्म। अब लोगों को तो पता ही है हम लोग जो छोटू है उसके अंदर ही करंट का पावर है और जिसके चलते कलर छोटू के ऊपर कुछ असर ही नहीं दिखा था। और यही पर ही छोटू अपने जो ब्लड एब्सॉर्ब का पावर था उसका यूज करते हुए यहाँ पे सच्ची में यहाँ पे एक गर्ज़िला के मापिंग ना अपने मुंह से एक धारदार रोशनी निकलते जो जाके एक लड़की को हिट होता है। तभी वो देखने के बाद वो लड़की कहती ओहो बचा लो कोई मुझे, लेकिन वो रोशनी तो जायरेट उसे चीता हुआ बाहर निकल जाता है। और तभी नेक्स्ट ही मोमेंट में धुआं हटने के बाद वो लड़की को दिखाते हैं जिसका कपड़ा ना एकदम चारों तरफ से फट चुका है, जो देखने में ना मुझे नहीं पता कैसा दिख रहा था, जल्दी करके कॉमेंट में आप लोग ही बताओ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाते हैं खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ आजकल लाइक का एम करते हैं 100 लाइक, अगर आज शाम से पहले इसे 100 लाइक हो जाए ना तो और एक एपिसोड आपको लोगों के लिए आ ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।